कितने दूर दूर हो उन दोनों के रास्ते मिल जाते हैं जो बने एक दूजे के वास्ते एक हफ्ते में आपकी किस्मत आपको तीन बार मेरे रास्ते में लाई है आप तब भी रो रही हैं जिंदगी इतनी भी जालिम नहीं हो सकती लाइफ कांट बी दैट बैड प्लीज मुझे ऐसे मत देखिए इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है मुझे खुदा ने इतना हैंडसम बनाया अगर मैं आपसे कहूं कि इस पल इस वक्त मैं आपकी नजरों के सामने खड़ा हूं तो ये भी आपकी किस्मत का खेल है तो आप क्या कहेंगे जी हाँ सीरियसली मैं तो आज यहां आने नहीं वाला था लेकिन अगर आज मैं यहां ना आता तो आपको ये रुमाल कौन देता मैं सोच रहा हूं क्यों ना आपकी और मेरी किस्मत के पन्नों को मिलाकर देखा जाए शायद जैसे मेरी दादी ढूंढ रही हैं वो आप ही हो देखिए मेरे मजाक का बुरा मत मानिएगा किसी के आंसू पहुंचने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं और वैसे भी वो एक महान आदमी ने कहा था ना आई हेट टीयर्स दे आर नथिंग बट सलाइन वाटर अपना ख्याल रखिएगा हाय श्रवण हाय जूता कहाँ है आपका जी ओह सैंडल चलेगी उतारिए और लगाइए मुझे नहीं अच्छा पिंच कर दीजिए मुझे लग रहा है जैसे मैं सपना देख रहा हूँ आप सुनेंगी ना विश्वास नहीं करेंगी जस्ट इमेजिन आप किसी से प्यार करती हैं महीनों से उसकी हाँ का इंतजार कर रही हैं हार कर अपने पेरेंट्स के लाए हुए रिश्ते को हाँ करने के लिए निकल ही रही थी कि आपका प्यार आपके सामने आ जाता है और आपको हाँ कर देता है एक मिनट मैं कुछ समझी नहीं नहीं समझी अच्छा बैठिए सिट सिट मैं खुद समझने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपसे यहां मिलने आया आ रहा था टाइम पे पहुंच भी गया था लेकिन अंदर आने से पहले क्या होता है क्या मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे टकराती है और इतने दिनों से मैं उसे भुला देने की कोशिश कर रहा था लेकिन आज वो भी यहां बाहर वो मुझसे टकराती है और हां कर देती है मम्मा आप तो जल्दी क्यों रहती है साची और हम बात कर रहे हैं हमारी बातें तो खत्म नहीं हुई हैं सारी बातें खत्म हो चुकी हैं आगे कोई बात नहीं चलो देखिए आप नाराज मत होइए आप ही बताइए मैं क्या करूं मैं क्या कहूं आपके पेरेंट्स को आपके प्यार के बारे में पता है वो जानते और समझते तो बात ही क्या थी सच मानिए मैं अपने प्यार को भुला चुका था हार मान चुका था इसलिए तो यहाँ आज आपसे मिलने आया मैंने तय कर लिया था कि आप जैसी किसी सुंदर सुशील आप समझ रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ लेकिन आप मेरी जगह होती तो क्या करती किसी लड़की का दिल नहीं तोड़ती मतलब आप किसकी बात कर रही हैं आपके प्यार की
यानी आप मुझे रिजेक्ट कर देंगी? आप क्या चाहते हैं? थैंक यू सो मच मनीषा, भगवान करे आपको मुझसे भी हैंडसम वर मिले। क्या हुआ? पूछिए क्या हो रहा है। आपको मेरा भोला भाला बेटा ही मिला था? हम ही लोग मिले थे उल्लू बनाने के लिए। ऐसा क्या हो गया बहन जी? देखिए भाई साहब, आप लोगों ने हमें यहाँ बुलाया रिश्ता पक्का करने के लिए, और वहाँ आपकी बेटी अपने बॉयफ्रेंड के साथ नैन मटक्का कर रही है। क्या कह रही है आप भाभी जी? नहीं नहीं भाभी जी, साची किसी लड़के वड़के को नहीं जानती। ये आप क्या कह रही हैं? हाँ भाभी जी, आपको जरूर कोई गलतफहमी हो गई है। हमारी साची ऐसा कर ही नहीं सकती। अच्छा, आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है ना, तो पूछिए अपनी बेटी से कि इतनी देर तक किसके साथ हाथ में हाथ डाले बातें कर रही थी। साची, ये भाभी जी क्या कह रही है? तो किससे बात कर रही थी बेटा? कौन था वो लड़का? लड़का मामा, मैं तो किसी भी लड़के को नहीं जानती। अरे, इतनी भोली बन रही है, मेरे भोले भाले बेटे को अकेला छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ हंस बोल नहीं रही थी तुम? देखा आपने? देखा कैसे याद आ गया सब कुछ? क्यों, तुम्हें लगा होगा यहाँ कौन देखेगा? वो तो गनीमत है भाई साहब कि मैं वहां पहुंच गई। इसमें भी आपकी ही गलती है। हमसे रिश्ता पक्का करने से पहले आपको अपने घर में अपनी बेटी से पूछ लेना चाहिए था कि इसका पहले से कोई रिश्ता है या नहीं। बहन जी, चिल्लाइए मत भाई साहब, क्योंकि बद चलनी मेरे भोले भाले बेटे ने नहीं, आपकी भांजी ने की है। नहीं मामा, मामी, मैं सच कह रही हूं, मैं नहीं जानती वो लड़का कौन था। वो तो मैं बहुत घबरा गई थी, तो रोते रोते बाहर गई, और मुझे रोता हुआ देखकर उसने अपना रुमाल दिया। बस मैं सच में नहीं जानती कि वो कौन था। लेकिन मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। इससे पहले भी मैंने उसे तुम्हारे आसपास मंडराते हुए देखा है। लेडीज टॉयलेट में वही मिलने आया था ना तुमसे, और माल रोड पर जानबूझकर तुमसे टकरा गया, अस्पताल पीछे पीछे पहुंच गया। माल, और आज आज मैंने अपने कानों से सुना है उसे कहते हुए, सॉरी लेट हो गया यार, गर्लफ्रेंड बाहर मिल गई थी। जी, इसीलिए मैं आपकी भांजी का मेडिकल टेस्ट करवाने ले गई थी, क्योंकि इसकी भोली सूरत पर मुझे पहले से ही शक था। उषा जी, इनसे कह दीजिए हद से बाहर जा रही हैं अब। पापा, वो लड़का यही होगा। मैं दावे से कह सकता हूँ इन्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हाँ बेटा, जल्दी से जाओ, उसे ढूंढ कर यहाँ ले आओ। जाओ जाओ, वहां दूसरी टेबल पर बैठा होगा, चील की नजर रखती हूँ मैं। यहाँ कोई लड़का था? एक लड़की भी थी साहब। कहाँ गए? हमें नहीं पता। कौन था वो लड़का? श्रवण सर, अक्सर आते हैं यहाँ। कितनी देर हुई गए? बस अभी अभी गए।
मिल गया वो लड़का, कहाँ है? नहीं, निकल गया। लेकिन बहन जी, भाई साहब, भरोसा कीजिए, हम उसे ढूंढ निकालेंगे और आपकी गलतफहमी को दूर कर देंगे। अरे हमारी साची ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। रहने दीजिए भाई साहब, ये आपकी अपनी बेटी नहीं है, फिर भी हमने आप पर भरोसा किया। लेकिन माफ कीजिए, हम ये बेइज्जती नहीं सह पाएंगे, हमें नहीं करना आपके साथ रिश्ता। चल बेटा। मम्मा मम्मा, अंकल जी कह रहे हैं ना कि कोई गलत फहमी है, तो वेट कर लीजिए ना। हमें नहीं करना किसी और लड़की से शादी। ये लड़की तुझे पसंद है? पता नहीं कितने बॉयफ्रेंड्स छुपा कर रखे होंगे इसने। और हमें भी नहीं करना आपके ऐसे बेटे के साथ अपनी बेटी का रिश्ता। अंकल जी, ऐसे मत कहिए ना। ए, चुप कर। मम्मा, वो नहीं आ गई का? क्या? क्या कहा आपने? तो और क्या कहूं? ये रमेश है या रामेश्वरी, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। हम अपनी बेटी के लिए एक लड़का ढूंढ रहे हैं। लड़का बहन जी, लड़का, समझ में आया आपको? छोड़ बेटा, इनके मुंह क्या लगना, आजा। ये क्या कर दिया आपने इंदर जी? भाभी जी, भाभी जी, उषा जी, उषा जी, भाभी जी, भाभी जी सुनिए, भाभी जी सुनिए मेरी बात, मेरी बात सुनिए भाभी जी, ऐसा मत कीजिए, आपकी जो भी गलतफहमी है हम दूर करेंगे, लेकिन इस तरह से रिश्ता तोड़कर बचाइए, मेरी साची के बारे में सोचिए भाभी जी, उसके बारे में ऐसी बातें बहल गई तो। भाभी जी, आपने जितने टेस्ट कहे थे हमने सब करवाए। एक बार सोचिए तो सही, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके साथ। हमें एक मौका और दीजिए। मत गिड़गिड़ाइए इनके सामने उषा जी, नहीं बनाना है हमें इन्हें, जाने दीजिए। क्या कुछ नहीं सहा इस रिश्ते के? साची जी सबसे गुजरी है, ये रिश्ता कैसे तोड़ दे ना जी, कैसे न दे। भाभी जी, भाभी जी, अरे भाई साहब, बाइक तो पार्किंग पे लगा दो। दो मिनट में, मेरा मोबाइल रह गया। भाभी जी, भाभी जी, भाई साहब, आप भाभी जी को समझाइए ना। बेटा, तूने तो साची से बात की है ना? उषा जी, तुझे तो साची पसंद आई थी ना, आई थी ना, बताओ ना भाभी जी, भाई साहब। उषा जी, भाई साहब, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके। Oh,
कैसा रहा माँ? पापा कैसा रहा सब कुछ? दीदी क्या हुआ? भाई क्या हो गया? इस सब ऐसे मुंह लटकाए क्यों खड़े हैं? वो नानी, उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। लेकिन क्यों? उषा क्या हुआ? इससे पूछिए ना, ये किस लड़के से मिलने गई थी उस होटल में? क्या मतलब? मतलब नानी, साची की होने वाली सास ने उसे किसी गैर मर्द से बात करते हुए पकड़ लिया। साची बेटा, कौन था वो लड़का? नानू, मुझे नहीं पता कि वो लड़का कौन था। अच्छा, तुझे नहीं पता? तो भाभी जी क्या झूठ बोल रही थी जब उन्होंने कहा कि माल रोड पे तू उस लड़के को पहले भी मिली है और पीछे पीछे तेरे वो अस्पताल भी चला आया था? झूठ बोल रही थी क्या भाभी जी? हाँ, ये भी झूठ होगा ना कि उन्होंने उसको बोलते हुए सुना किसी से कि वो बाहर अपनी गर्लफ्रेंड से टकरा गया था। उषा जी, देखिए, वो लड़का भी वहां किसी लड़की से मिलने आया था, तो हो सकता है उस लड़की को टालने के लिए उसने यूं ही कह दिया हो कि उसकी गर्लफ्रेंड मिली थी। कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता नहीं है, हो चुका है। इतना कुछ किया मैंने तेरे लिए, लेकिन ऐन मौके पर तूने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है ना, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। अब क्यों पछता रही है? हम तो पहले ही कहते थे, जान जाए तो लच्छन ना जाए। खून तो अपना रंग जरूर दिखाए, अपना खून तो अपना होता है ना। अम्मा ये क्या कह रही हो? अरे कह लेने दे हमें अपनी बात। पराए खून ने दिखा दिया ना अपना रंग। अम्मा प्लीज, इस बात को यही खत्म करो प्लीज। और उस बहन जी के लड़के को देखा था आपने? अजीब सा था, एकदम पुनिया सा था, सीधा खड़े होने को नहीं हो रहा था उसे। ये भाभी जी की लड़की के बारे में नहीं है। एक लड़के ने इसे अपना रुमाल दे दिया, इसने ले लिया, कल को कहेगा साथ में चल चली जाएगी क्या? उषा जी बेहूदी बात मत कीजिए प्लीज। हमारी बेटी से क्या कह रहे हैं, बेहूदी हरकत तो इसने की है। जरूर चक्कर होगा उस लड़के के साथ, पता नहीं कब से मिल रही होगी उससे। और हम कह रहे हैं कि सबूत इसके कमरे में मिलेगा। अभी हो जाता है दूध का दूध और पानी का पानी। चल हमारे साथ।